रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन किस्म के लोग हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और ना इनको पाक फरमाएगा। अबू मुआविया कहते हैं, ना इनकी तरफ देखेगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। पहला, बूढ़ा जानी। दूसरा, झूठा हुक्मरान। और तीसरा, तकब्बुर करने वाला अयालदार मोहताज, मतलब बीवी बच्चों वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात खतरनाक कामों से बचो। पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, जादू करना, जिस जान को अल्लाह ताला ने मोहतरम बनाया है उसे कत्ल कर डालना सिवाय इसके कि हक के साथ हो, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन भाग जाना और पाक दामन बोली वाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना।